परफॉर्मेंस के लिए हमें कोई पटाखे और रॉन्ग पब्लिसिटी नहीं दिखानी होती है। यहाँ के लोग जमीनी स्तर पर रखते हैं। मैडम कोई 10 लाख का कोट नहीं पहनती है, पहनती है क्या मैडम आप? नहीं 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 पहनते ना। मैम जिस व्यक्ति ने कभी भी एयरपोर्ट नहीं बनाया आज वो 6-6 एयरपोर्ट का काम कर रहे हैं, वो अदानी जी। बंगाल के औरतों को मतलब बाकी जो यूपी बिहार इन सब जगह के मतलब बीजेपी और ये सब लोग है वो डरते हैं और डरना चाहिए। जय हिंद जय भारत। में रेबल सदानंद पति आज बंगाल की वीर धरती में, मां मानी माटुस के धरती में, मां माटी मानुष की जब भी बात होगी तो एक बात याद रखा जाएगा इतिहास में कि बंगाल में जहां रॉयल बंगाल टाइगर की बात करते हैं वहां पे महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की वृद्धि और महिलाओं का आत्मनिर्भर होने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं नौदा में हूँ, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, और मैं हूँ मेरी बड़ी दीदी शाइना जी, आपका मैं स्वागत करूंगा इस मंच पे। अपना स्वागत अच्छे। और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं टीएमसी के, वो शाइना दीदी हैं। और जुमलेबाजों को एक बात पता चलनी चाहिए बहुत अच्छे तरह से कि नौदा एक ऐसी जगह है जहाँ 50% मेल एंड फीमेल है। और आप ये समझ लीजिए बंगाल में ममता दी सबसे ज्यादा औरतों को प्रमोट करती है, केवल दिखाने के लिए नहीं, केवल एड्स के लिए नहीं, उनको सीट्स दिया जाता है, उन्हें उस जगह पे खड़े होने का एक मौका दिया जाता है कि आप अपने स्थान में जाके वो काम करें और कंधे से मिला के साबित करें कि महिलाएं पुरुष से कम नहीं होती। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मेरे साथ शाइना जी की डॉटर है, नमस्कार, आपका मैं स्वागत करूंगा। और ये पर्सनल मोमेंट है, दीदी आपका भी स्वागत है। दो बेटियां, एक तरह से दो बेटे, दो शेर अपनी माता के साथ। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मीडिया अपने सवाल जो भी पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। रिबेस सर, आप आज शाहिना मैम के साथ हैं, क्या कारण है कि सपोर्ट जो है वो आप इनको पूरा दें? देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जब भी मैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की घटनाएं देखता हूँ और जब भी गुजरात का घटना देखता हूँ और अब वो बंगाल के ऊपर एक आक्रमण करने वाले हैं। जब दीदी के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, दीदी हमारे यहाँ सभी को बोलते हैं, आपको मैं बता दें, पर हम सबकी दीदी केवल एक है, वो है ममता दीदी। कौन है? ममता दीदी। और ममता दीदी का जो विश्वास है इस इलाके को लेके, 2019 के पश्चात शाइना जी यहाँ के मौजूदा विधायक हैं नौदा में, और एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, एक एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट को इनको लेके, तो पुनः इन्हें टिकट दिया गया। और आप देख सकते हैं कि सुबह से लेकर रात तक ये 24 घंटे तैयार है अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए। तो और रेबल फाउंडेशन ने डिसाइड किया कि हम सत्य के साथ चलेंगे और टीएमसी सत्य के साथ है। सर मेरा क्वेश्चन है जी, रेबल फाउंडेशन आप ये साइनअप में बेगम जी की सीट को सपोर्ट कर रहे हैं अभी आप जी, तो इसका परफॉर्मेंस क्या धमाकेदार होने वाला है? देखिए मैं एक बात बताऊंगा, परफॉर्मेंस के लिए हमें कोई पटाखे और रॉन्ग पब्लिसिटी नहीं दिखानी होती है। यहाँ के लोग जमीनी स्तर पर रखते हैं। मैडम कोई 10 लाख का कोट नहीं पहनती है, पहनती है क्या मैडम आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं पहनते ना। नहीं। ममता दीदी का क्या लोगों के प्रति संदेश है, क्या बोलती है वो, आप बताइए अपने कार्यकर्ताओं को। दीदी की बोलें, ओटा बोलूँ आप। दीदी तो हमारे साधारण मानुषर संगे मिले थकें, उन्हीं हमारे कथा सब समय भावें जी, सब समय उन्हीं भावें साधारण मानुष की करे बाजबे, की करे खाबे, की करे चोलबे। मैं इसको हिंदी में अनुवाद करके एक बात बता देना चाहूंगा जी। शाइना जी का ये एक बात कहना है कि ममता दी सादगी में यकीन करती हैं जी। आप देख सकती हैं दीदी को इस वक्त भी, ये दीदी की बेटियां हैं, मेरी बहन है दोनों, और आप देख सकते हैं कि सब एक दूसरे के साथ यहाँ दिखावा नहीं है, यहाँ सनरूफ की गाड़ियों में लोग नहीं घूमते, यहाँ BMW फॉर्च्यूनर का दिखावा नहीं है, यहाँ जमीनी स्तर पे कि दीदी सवार साथे कनेक्टेड आचे की ना, जोरे बोल बे आचे की ना, एबारे जीतबे की ना, एबारे की होबे, एबारे की होबे, लम्बा लम्बा चूल दाढ़ीर मोदी बाबू। देश इस बार तैयार है, बंगाल इस बार तैयार है, बंगाल से बीजेपी का बैकअप तैयार होगा, यहाँ से बीजेपी रिटर्न जाएगी। दीदी आप क्या बोलती हैं, बीजेपी का यहाँ कुछ जगह है? नहीं नहीं, कुछ भी जगह नहीं। क्यों नहीं है? बीजेपी का असली क्या फाइट है, क्यों चिढ़ते हैं वो ममता दीदी से? ममता दीदी साधारण मानुष के साथ रहना चाहती है जी, इसीलिए जी उनका चिढ़ है जी, उसको भगाओ। वो लोग इसको भी प्राइवेट करना चाहते हैं बंगाल को भी जी। हाँ, बीजेपी का एक लक्ष्य है प्राइवेटाइजेशन। आपने देखा होगा जब से मोदी जी की सरकार आई है, जिस व्यक्ति ने कभी भी एयरपोर्ट नहीं बनाया आज वो 6-6 एयरपोर्ट का काम कर रहे हैं, वो अदानी जी, उनके जेटों में जा रहे हैं, उनके स्वागत समारोह हो रहे हैं। क्या आपने कभी ममता दीदी को किसी बिजनेसमैन के साथ देखा है? क्या कभी देखा है कि उन्होंने किसी जमीन को प्राइवेट कर दिया है? उन्होंने हमेशा माँ माटी मानुष यानी माता
जमीन और व्यक्ति, इन तीनों को एलिमेंट, जो वाइटल एलिमेंट है, उनको लेके अपना कार्य करने के लिए तैयारी की है। और हमने ये संकल्प लिया है कि हम शाहिना दीदी के साथ और हमारे यहाँ पे किसान आंदोलन के तमाम लोग भी आपके साथ हो रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। हाँ है मैम, जिस तरह से अभी अभी आपने देखा 3 दिन पहले ममता दीदी के ऊपर अटैक हुआ है, उनके पैर में भी काफी चोट है, इसको किस तरह देखते हैं आप? बहुत गंदा चीज है, ये किसी का औरत के साथ नहीं बोलना चाहिए जी, किसी औरत के साथ ये करना नहीं चाहिए। मैम, जिस तरह से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही रैली होती है, उसके तीसरे दिन बाद ही यहाँ पे यहाँ के सीएम का के ऊपर अटैक होता है। नहीं, केवल सीएम के, आपको एक बात समझना होगा, केवल सीएम के ऊपर अटैक नहीं है, जाकिर हुसैन के ऊपर भी अटैक है। और सीएम हमारी महिला है, हमारी माँ है, हमारी दीदी है। देखिए, हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में औरतों को माँ का और बहन का दर्जा दिया गया है, और ये कहने के लिए नहीं है, उसका जीता मिसाल आप देख सकते हैं, आपके सामने आपकी दीदी खड़ी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी मदर दिन रात इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, शायद आप लोगों को भी वक्त नहीं देते, एक शिकायत आप लोगों को बहुत रही होगी अपनी मम्मी से शुरू से। हमें शिकायत नहीं है, हमें, हम चाहते हैं कि मतलब देश की जो औरतें हैं, और वैसे भी मतलब बंगाल के औरतों को, मतलब बाकी जो यूपी बिहार इन सब जगह के, मतलब बीजेपी और ये सब लोग हैं, वो डरते हैं और डरना चाहिए भी, क्योंकि मतलब अभी अब सीएम के अगेंस्ट अगर ये ऐसे षड्यंत्र कर सकते हैं, या फिर के ऐसे मतलब एक औरत हो, किसी भी इंसान के प्रति ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई एक कैंपेन में जाए और उनका पैर तोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते। मेरा एक सवाल है कि जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है वहाँ औरतों के साथ रवैया, तो आप जानती होंगी औरतों के साथ किस प्रकार का रवैया है जी। इस एरिया की बात करो, यहाँ पर मेल और फीमेल रेशियो बिल्कुल इक्वल है, इतनी सुंदर विचारधारा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेल और फीमेल रेशियो अगर सही नहीं होंगे तो इसके अगले वाले जनरेशन जो है वो सफर करने वाली है। और हम चाहते हैं कि मतलब आप ये तो जानते भी होंगे कि टीएमसी जो है पिछले इलेक्शन में सबसे ज्यादा वुमेन्स वोट टीएमसी के। ये बात आपको मैं बताना चाहूंगा इनको बीच में इंटरप्ट करके, कि टीएमसी में सबसे ज्यादा जो वोट कोई महिला उम्मीदवार ने जीता था, हाँ, वो शाहिना जी ने जीता, मैं आपको बता देना चाहूंगा। और ममता दी ने उसी बात पे इनको यकीन किया। आप इनकी बेटी है जी, और आपकी मदर को आप लगातार कार काम करते हुए देखते हैं, बहुत सारे मुश्किलों को भी आप आती होंगे, आपके रास्ते में अड़चने विरोधी लोगों का, क्या लगता है इस बार चुनाव में दीदी के साथ हम लोग मिलकर दीदी को जिताएंगे? बिल्कुल जिताएंगे, हम लोग जिताएंगे, लोग हैं, पब्लिक है, औरतें हैं, मर्द है, मुझे लगता है सब लोग दीदी के साथ है। दीदी जो काम करती है हमारे लोगों के लिए जी, वो अगर लोग ख्याल रखेंगे, वो अगर लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो मुझे लगता है बिल्कुल दीदी को आना चाहिए और दीदी ही आएंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, यहाँ पे बंगाल में एक सभ्यता है, बंगाल में कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता, यहाँ बंगाली होते हैं जी, और यही कार्ड वो लोग खेलना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान, तो मेरे ख्याल से बंगाल में तो कामयाब होने का चांस नहीं है बीजेपी का। हिंदू नहीं है, कोई भाई तो प्रचार करते हो, सब भाई भाई, क्योंकि देखिए यहाँ काजी नजरुल और यहाँ पे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, ये माँ माटी मानुष का वीर धरती है, स्वामी विवेकानंद का धरती है, राजा राममोहन रॉय की धरती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ कि रेबल फाउंडेशन शाहिना दीदी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर नोएडा विधानसभा क्षेत्र में तनाव रैलियों में हर जगह हम इनको अपना समर्थन देते हैं। और किसान आंदोलन के जो मेरे वीर साथी है वो बहुत जल्दी दीदी के साथ जमा करेंगे। आगे आप लोग इंतजार कीजिएगा, जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। ममता दीदी, टीएमसी।